या तो हैदराबाद मेरा पीएल है जो सबसे ज़्यादा जाती हूँ, या मीरा रोड का मुशायरा मेरा घर है और सालों से यहाँ पर आती रहती हूँ। अम्मी तो हैं यहाँ पे, मुजफ्फर साहब जैसे भाई भी हैं यहाँ पे, आप लोगों की मोहब्बतें खींच लाती हैं। और नफरतों का दौर है, एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। इधर दिल है उधर दुनिया, बगावत करके दिखलाओ। देखिए जो अम्मी जी ने बात कही है ना कि मोहब्बत का सबूत दीजिए, अब मैं बोल रही हूँ कि बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। इधर दिल है उधर दुनिया, बगावत करके दिखलाओ। लव जिहाद वालों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये दुनिया भाड़ में जाए। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये दुनिया भाड़ में जाए। मेरी तरह यूं इकरारे मोहब्बत करके दिखलाओ। अगर आप लोग फेसबुक पर पढ़ रहे होंगे तो एक भारतीय जी 2 दिन से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए, जो कहते हैं कि किसी खास कौम से मोहब्बत करती है, उर्दू से मोहब्बत करती है, जो भी है। बहुत सारे हिंदू प्रशंसकों ने भी जवाब दिया, तो उन्हीं को जवाब दिया है कि बहुत आसान है नफरत, मोहब्बत करके दिखलाओ। इधर दिल है उधर दुनिया, बगावत करके दिखलाओ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये दुनिया भाड़ में जाए। मेरी तरह यूं इकरारे मोहब्बत करके दिखलाओ। और देखिए आज से मैंने ठीक 1 महीने पहले 25 तारीख को मुशायरा था जब मुमरा पे, तो तब क्रिसमस डे पर जो है उनको मनाने वालों पे बैन लगाया गया था। अब फिल्म पे बैन की बात हो रही, तो बात वही है, सुनिए। मेन है आपका खास ये कि आपको नफरत फैलानी है। तो एक सवाल पूछा है कि जो जन्मे हैं क्रिसमस डे पर क्या वो हिंदुस्तानी हैं? जो जन्मे हैं क्रिसमस डे पर क्या वो हिंदुस्तानी हैं, या फिर वो अमरीकी, रूसी, चीनी या जापानी हैं? जो जन्मे हैं क्रिसमस डे पर क्या वो हिंदुस्तानी हैं, या फिर वो अमरीकी, रूसी, चीनी या जापानी हैं? ये भी मुमकिन है कि कल जो ईद पे बच्चे जन्मे में अंधभक्त कह देंगे उनको ये भी पाकिस्तानी हैं। जो जन्मे हैं क्रिसमस डे पर क्या वो हिंदुस्तानी है, या कि वो अमरीकी, रूसी, चीनी या जापानी है? ये भी मुमकिन है कल जो ईद पे बच्चे जन्मेंगे, ये भी मुमकिन है कि कल जो ईद पे बच्चे जन्मेंगे अंधभक्त कह देंगे उनको ये तो पाकिस्तानी है, अंधभक्त कह देंगे उनको ये तो पाकिस्तानी है। देखिए राहत भाई ने अभी एक जो शेर कहा था, ये इत्तेफाक है कि मिल जाते कुछ ख्यालात। दूसरे दिन मैंने भी कह दिया था, मीरा रोड में आती हूँ अपने अंदाज से तारुफ कराती हूँ। राहत भाई माफ़ करना चाहती हूँ, क्योंकि बाखुदा मैंने भी दूसरे दिन ये कहा था। कमाल जायसी साहब की नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। हेलो तो अच्छा लगता है पर हाय से डरती हूँ। नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ। हेलो तो अच्छा लगता है पर हाय से डरती हूँ। हाँ कोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। अरे वाह, हम कोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। और जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो, जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो। शेर और सुखन पे मैं उस्तादों की राय से डरती हूँ, और माजरत के साथ कि अब तो उसका नाम भी लूँ तो अब तबीयत घबराती है। अब तो उसका नाम भी लूँ तो ये तबीयत घबराती है। रस्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। और देखिए लोग बड़ी उंगली उठाने वाले, तो एक कथा का आखिरी मिसरे पर, आखिरी एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। दावे के साथ कह रही हूँ कि अब कलम पर मेरे उंगली उठ नहीं सकती कोई, अब कलम पर मेरे उंगली उठ नहीं सकती कोई। अब गजल है मेरी बिल्कुल शुद्ध ब्रांडेड चीज सी, अब कलम पर मेरे उंगली उठ नहीं सकती कोई। अब गजल है मेरी बिल्कुल शुद्ध ब्रांडेड चीज सी, कोई मेरी नज्म पर इल्जाम धर सकता नहीं, कोई मेरी नज्म पर इल्जाम धर सकता नहीं, क्योंकि मेरी नज्म का उन्वान है पतंजलि। क्योंकि मेरी नज्म का उन्वान है पतंजलि। एक कथा मैंने कहा था फिर सुना रही हूँ कि जिस जगह देखूं नजर आता है बस चेहरा वही, गोशा गोशा राह नुक्कड़ हर डगर और हर गली। और ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा, ये भी मुमकिन है कि कल को चांद पर भी हो लिखा पतंजलि पतंजलि पतंजलि। एक बात और कहना चाहूंगी,
मैं एक, आप लोग बड़ी देर से इंतजार करें, एक मैं नल माना चाहूंगी, लेकिन उससे कबल एक गजल के चंद अशआर ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों की भी गलती है जो शैतान हम पे राज कर रहे हैं, हम लोगों की भी गलती है। कहना चाहूंगी कि खुदा की राह पर चलते तो यूं बर्बाद ना होते, खुदा की राह पर चलते तो यूं बर्बाद ना होते, अगर फिरकों में ना बंटते तो यूं बर्बाद ना होते। वाह 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 वाह। अगर फिरकों में ना बंटते तो यूं बर्बाद ना होते, हमारे एक ही माँ बाप आदम और हवा थे, हमारे एक ही माँ बाप आदम और हवा थे, ये धर्म जात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते, होते तो यूं बर्बाद ना होते, खुदा की एक रस्सी को पकड़ कर साथ जो चलते, खुदा की एक रस्सी को पकड़ कर साथ जो चलते, तो शैतान राज ना करते तो यूं बर्बाद ना होते, आज ना करते तो यूं बर्बाद ना होते। और देखिए फिर आखिरी लफ्ज़ पर तवज्जो चाहती हूँ कि सभी की है हया दुनिया, सभी का हक है दुनिया पे, जो कुछ भी हो रहा है उसका उसके वजह बता रही हूँ। सभी की है हया दुनिया, सभी का हक है दुनिया पे, अगर नेता नहीं होते तो यूं बर्बाद ना होते। शुक्रिया। और देखिए एक नज़्म से कबल गजल के चंद अशआर सुना रही हूँ कि बहुत मसरूफ हैं, बहुत एक शेर के लिए सुना रही हूँ कि बहुत मसरूफ हैं भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मसरूफ हैं भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं, गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं, बहुत मसरूफ है भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं, गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं, अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, तो रस्मन ही चलो रस्में निभाते चलते फिरते हैं, तो रस्मन ही चलो रस्में निभाते फिरते मिलते हैं। और सुनिए, बिछड़ कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुख से हूँ, बिछड़ कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ, बिछड़ कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ, यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं, यूं पिंजरा हाथ लेकर के कई तुम जैसे मिलते हो। जिस शेर के लिए मैंने ये गजल आप तक पहुंचा दूं, वो सुनाना चाहूंगी कि बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बच्चों से इजाजत लेके मिलते हैं, बिना पूछे मैं तरबीम कर रही हूँ, बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं, तुम्हारा सर मेरी जीभ उसका काट लेंगे हाथ, यहाँ जमहूरियत में सच को ऐसे फतवे मिलते हैं, यहाँ जमहूरियत में सच को ऐसे फतवे मिलते हैं। और इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी बोलूँ, इसे फैशन कहूँ मैं या हया से दुश्मनी बोलूँ, ये कपड़े तो हया से जो अदावत करते मिलते हैं। एक नज़्म सुना रही हूँ, सियासी बहुत है मसाला मेरे पास, सुनना चाहेंगे तो सुना भी दूंगी, लेकिन इतनी दूर से भागते दौड़ते आई हूँ, इतनी दूर से आप लोग ही मुंतजर हैं, एक थोड़ी सी अब रोमांटिक नज़्म आपके पास, राहत भाई को भी पसंद आई थी, उन्होंने भी कहा था सुनो, थोड़ा सा मिजाज आप लोगों का बदल गया सभी ने। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखिए
देखिए मैं तो अभी भी उसी मकाम पे खड़ी हूँ जहाँ से चली थी मीरा, और आप लोग किस मकाम पे खड़े हैं मुझे देखना है। एक पल के लिए निजाम साहब भी बैठे, निजाम साहब जी बहुत अच्छी। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम, बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, देखते थे मुझे जब लगा टक टकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी, आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी तो छलकती ही थी, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे, बहुत आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आज इस काम से कल किसी काम से, तुम बहाने से मिलने को आते थी थे, जानती थी कहूंगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूं तो ना आओगे, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखिए इस बंद पर आपकी तवज्जो चाहूंगी, वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन, बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई। बहुत अच्छे लता हया साहबा, अपने एहसास का मुकम्मल तौर से अपने वजूद का एहसास दिलवा रही हैं आप, रोमांटिक शायरी, बहुत बहुत शुक्रगुजार है ये अहलिया ने मीरा रोड आपकी। राहत भाई को ये बड़ा पसंद आया था, उन्होंने पूछा भी, उन्होंने ये भी कहा था किस मर्दूत के लिए कहा है ये उनका सुनिए। अपनी आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, साथ थे हम मगर साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके, लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके, याद के जुगनुओं को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुम
हमको देखे वाह 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 याद के जुगनुओं को बुझा जाओ ना मुद्दतें हो गई तुमको देखे। और आखिरी मिसरे की आखिरी लाइन में कि हिम्मत के साथ ये बंद कह रही हूँ, कोई नहीं कहेगा। मैंने बहुत साल पहले भी एक शेर कहा था कि जादू की और कि इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती हैं, फिर से अब कमसिन बन जाना मेरे बस की बात नहीं। आज से 10-15 साल पहले कहा था, अब देखिए फिर कह रही हूँ सुनिएगा। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। आखिरी आखिरी मिसरा चाहिएगा। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई। जी लता हया साहिबा से गुजारिश है कि ये सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की मोहब्बतें, सैयद नजर हुसैन साहब की मोहब्बतें नूर जहां मुंबई साहिबा की चाहते हैं। अगर आप लोग इस्तकबाल करते लता हया साहिबा का तो जरूर वो सुनाएगी। तीन चार दोहे सुनाती हूँ। अगर जानवर मर जाए तो बात है ये मामूली, अगर जानवर मर जाए तो बात है ये मामूली, अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली। हम जो सोचते हैं एक्चुअली वही बोल देते हैं, गलती है। अगर अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, मगर जानवर मर जाए तो चढ़वा लेंगे सूली। अगर अगर आदमी मर जाए तो बात है ये मामूली, मगर जानवर मर जाए तो चढ़वा देंगे सूली। और 1.5 लाख का एक कलम से देखो लहू टपकता जाए, आपको मालूम है किसका है। 1.5 लाख के कलम से देखो लहू टपकता जाए, 1.5 रुपए का कलम हमारा सच्ची बात बताए। वाह 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 वाह। 1.5 लाख के कलम से देखो लहू टपकता जाए, 1.5 रुपए का कलम हमारा सच्ची बात बताए। और देखिए शुक्रिया। देखिए दीन बोलते हैं जो एक दीन है, और एक दीन हिंदी में बोलते हैं जो दीनहीन गरीब होता है उसको भी बोलते हैं। अब देखिए मैंने इस्तेमाल किया रात कि महंगाई तो खून चूस कर हमें करे है दीन, महंगाई तो खून चूस कर हमें करे है दीन, और इन्हें ईमान वालों का बुरा लगे है दीन। महंगाई तो खून चूस कर हमें करे है दीन, और इन्हें ईमा वालों का बुरा लगे है दीन। और सुनिएगा कि एक फिल्म ने तो इनकी इज्जत को ही धो डाला, एक फिल्म ने तो इनकी इज्जत को ही धो डाला, रोज रुके बच्ची की इज्जत इनके मुंह पर ताला। एक फिल्म ने तो इनकी इज्जत को ही धो डाला, रोज रुके बच्ची की इज्जत इनके मुंह पर ताला। और अपनी बूढ़ी माँ की तो जो कभी ना सेवा करते, अपनी बूढ़ी माँ की तो जो कभी ना सेवा करते, बाहर जाकर गाय माँ की वही हिफाजत करते। वाह 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 वाह। घर पर अपनी बूढ़ी माँ की तो जो कभी ना सेवा करते, बाहर जाकर गाय माँ की वही हिफाजत करते। और दो तीन दोहे और की हिंसा पर है मौन, करे हर बात पे लेकिन चर्चा, हिंसा पर है मौन, करे हर बात पे लेकिन चर्चा, उसे अहिंसक कैसे बोले लाख चलाए चरखा। वाह वाह। हिंसा पर आप तक बात पहुंची नहीं है, आप सुनिए। हिंसा पर है मौन, करे हर बात पे लेकिन चर्चा, देखिए गांधी जी का चरखा चलाने से कोई बापू नहीं हो जाता, अब बात आप तक पहुंची होगी। हिंसा पर है मौन, करे हर बात पे लेकिन चर्चा, उसे अहिंसक कैसे बोले लाख चलाए चरखा। और बिजली का बिल भरेंगे कैसे गुरबा ओ अंबानी, अब कब्जा करने को बाकी बचे हवा और पानी। वाह वाह। अब कब्जा करने को
बाकी बचे हवा और पानी। जात पात हूँ धर्म असल है अब विकास का नारा, जात पात हूँ धर्म असल है अब विकास का नारा, हक्का बक्का देख रहा है बस इंसान बेचारा। और सुनिए एक एक और सुना देती हूँ, एक दोहा और है कि भारत माता अपने बच्चों की करनी पर रोए, करनी आप समझ जाएंगे, दो इस्तेमाल कर ली, सेना भी एक मरी करनी। भारत माता अपने बच्चों की करनी पर रोए और उनके बड़ के बेटे परदेश में रहते खोए, और उनके बड़ के बेटे परदेश में रहते खोए। अब देखिए एक एक नज़्म सुना रही हूँ। आपने हालात हाजरा पर कहा है, सब जगह बैन हो रहा है, सब जात पात का इतना हो गया है, अजान जैसे पाक मतलब अल्फाज पर बैन, आवाज पर बैन लगाने की जब बात गई तब मैंने ये नज्म कहने की कोशिश की थी, क्योंकि कि हर धर्म को इज्जत देना, मोहब्बत देना, यही असल धर्म है। आप तक नज्म पहुंचानी सुनिएगा, अभी तक नेट पे नहीं आई है। अभी तक तो यही सुना था बड़ी सियासत गंदी है, लेकिन अब ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही अंधी है, खूब बोलती है लेकिन आंखों पर काला चश्मा है, एक हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ तमंचा है। अगर ये मुस्लिम औरत के हक की आवाज उठाती है पर नजीब पहलू की अम्मी नजर नहीं क्यों आती है, कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है, कितनी साजिश कर ले इंसान उसकी प्लानिंग बेहतर है। अजा यही कहती है नादा के अल्लाह ही अकबर है। यही कहती है नाना के अल्लाह ही अकबर है, आंखें अंधी हो या ना हो दिल तो इनका अंधा है, इसीलिए सबको भड़काना इनका गोरख धंधा है, मस्जिद से आती आवाजें इनको नहीं सुहाती हैं, इससे भी ऊंची आवाजें लेकिन इनको भाती हैं, इससे भी ऊंची आवाजें लेकिन इनको भाती हैं। चीज सुनाई देती है क्या इनको लुटती बच्ची की, एक किसान के बच्चे की, सैनिक की, बेवा बीवी की, इनके दिल की धड़कन नफरत का लाउड स्पीकर है, अदा यही कहती है सुन ले के अल्लाह ही अकबर, दिल की धड़कन खुद नफरत का लाउड स्पीकर है, अदा यही कहती है सुन लो के अल्लाह ही अकबर है। अभी हिंदुस्तान की हमारी रिवायतों को बता रही, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी कदरें हैं, अजा आरती शबद कीर्तन भारत की जागीरें हैं, सुबह शाम के बरक पे लिखी पाकीज़ा तहरीरें हैं, यही एकता और मोहब्बत अपनी है पहचान, मगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब मिलजुल कर, अपने घर की दीवारें जो साउंड प्रूफ बनवाते हैं, एसी में सोने वाले जाने कैसे जग जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं आवारा लोपर और जोकर, अजा यही कहती है सुन लो के अल्लाह ही है अकबर, अजा यही कहती है सुन लो के अल्लाह ही है अकबर। अब देखिए ख्वाब दिखा, जितना मैं समझती हूँ मैं कहने की कोशिश करती हूँ कि ख्वाब दिखाया था अल्लाह ने कैसे सुबह जगाना है, तुम्हें कामयाबी की जानिब किस तरह बुलवाना है, सुबह इबादत करने जाना, सवाल पूछ रही हूँ, सुबह इबादत करने जाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है, इबादत करने जाना क्या ये गुंडागर्दी है, अपने रब की ओर बुलाना क्या ये गुंडागर्दी है, पशु परिंदे जग जाए तब कोई सोने जाता है, नींद से बेहतर फज्र नमाज ये इस्लाम सिखाता है, तुम भी जाओ मंदिर में कुछ पुण्य कमाओ मुंह धोकर, अजा यही कहती है सुन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी लगता है, जिंदाबाद। तुम भी मंदिर में जाओ कुछ पुण्य कमाओ मुंह धोकर, अजा यही कहती है सुन लो के अल्लाह ही है अकबर, अजा यही कहती है सुन लो के अल्लाह ही है अकबर। शुक्रिया।